हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है मंडे को। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे निफ्टी का मैंने चार्ट लगा है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं निफ्टी का पहले चार्ट, उसके बाद में मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि कितना बड़ा बिक बनाया है। यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है, इतना भारी बिक बनाया है। इतना भारी बिक आपने कभी देखा भी नहीं होगा। और देख सकते हैं कि एकदम जाके अपर साइड पे क्लोज किया है। और ये ट्रेंड लाइन भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ से जब भी मार्केट जाता है तो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, और ऐसे ही करके ये इसी बीच में घूम रहा है। ठीक है, कैंडल तो इसी बीच में है। देख सकते हैं मार्केट नीचे आया भी था, कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था 21,272 पे, लेकिन फिर से जाके ये ऊपर की साइड में क्लोज हो चुका है। तो ये समझेंगे कि अभी इसी रेंज में है। ठीक है, तो ये तो इलेक्शन की वजह से मार्केट गिरा था, जाके ऊपर की साइड में क्लोज किया अभी। तो इस तरीके से अभी कैंडल बना हुआ है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का क्या वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बैंक निफ्टी लगाता हूँ 500 पॉइंट, ये भी आज ऊपर जाके क्लोज किया है। और दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिक इसमें भी है। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं अभी थोड़ी बॉडी इसमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा लेता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ जाया है। और मैंने दोस्तों टारगेट अच्छा खासा दिया था जो यहाँ पे हिट किया है। पहले ही सेशन में टारगेट मेरा 23,080 का टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया था, और अच्छा पैसा बना है एक ही ट्रेड में। ठीक है, टारगेट भी मिल गया है, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। उसके बाद मार्केट तो और भी गया है, दूसरा टारगेट भी हिट किया है। ठीक है, तो लेकिन पहले ही टारगेट में हो गया काम, तो इसकी वजह से फिर ट्रेडिंग नहीं की हमने। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आप चैनल में मार्केट कैसे यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे करके इधर ही घूम रहा है। और ये जो बड़ी कैंडल आई थी दोस्तों देख सकते हैं इसके नीचे क्लोज हुआ था, फिर दूसरे दिन ही ये 3 दिन में मार्केट लगभग पूरा ऑलमोस्ट ये कवर कर चुका है। इस तरीके का आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में ने डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बना हुआ है, और एक रेंज में निफ्टी 50 अभी यहाँ पे घूम रहा है। उसके बाद में मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। और बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो चार्ट किस तरीके का यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। आज इसमें मोमेंटम नहीं था, लेकिन यहाँ पे केवल 2 घंटे मोमेंटम आया था फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में मार्केट एकदम साइडवेज था। और दोस्तों देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल बनाया है, तो एक मोमेंट ऊपर की साइड में आ सकता है। तो अभी मंडे को ट्रेड कैसे करना है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। उसके बाद में चलिए हम लोग निफ्टी फिफ्टी को बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा दिया है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों आप देख सकते हैं कितना क्लियर कट मार्केट यहाँ पे आज यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि डब्लू पैटर्न बनाया था, और नीचे भी डब्लू पैटर्न बनाया था, देख सकते हैं ऊपर की साइड में गया है, और यहाँ पर भी एक डब्लू पैटर्न बनाया और डब्लू पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद में अच्छा खासा ऊपर की साइड में टारगेट दिया है। मैंने दोस्तों बताया था कि आपको बाई कब करना है। ठीक है, ये कैंडल देख सकते हैं 15 मिनट की, ये कैंडल है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है तुरंत, यहाँ देख सकते हैं कि कैंडल में ऊपर की साइड में जाके क्लोज किया है। उसके बाद में 2-3 कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिता है, और एक रिटेस्ट कैंडल बना है, ये कैंडल दोस्तों देख सकते हैं इसी कैंडल में एंट्री हुई थी, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मिला था, और यहाँ पे अच्छा खासा लगभग मोमेंटम मिल गया था। ठीक है, देख सकते हैं 150 पॉइंट का लमसम, ये 100-150 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया था। उसके बाद में भी मार्केट अच्छा खासा 250-250 पॉइंट ऊपर गया है निफ्टी 50। ठीक है, तो इस तरीके का निफ्टी 50 दिखा रहा है दोस्तों। और कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, उसमें हम बात करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है दोस्तों, ये है यहाँ पे जो रेंज मार्केट घूम रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मार्केट जैसे अगर ओपन होता है
ओपन कहाँ पर होता है डिपेंड करता है कि जैसे मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो गया या फ्लैट ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, तीन केस हो सकता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना है, वेट करना है। काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आ चुका है तो अगर आप यहाँ पे वेट करेंगे और इसके बाद में कोई सेलिंग साइड या पैटर्न बनता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो नीचे की साइड में आपको टारगेट यहाँ पे मिलेगा और यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप सेल कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन होता है तो, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है इसी बीच में, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कहीं भी ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो थोड़ा या बहुत यहाँ पे टाइम बिताएगा या तो ऊपर की साइड में तुरंत निकलने लगेगा, ठीक है, यही केस हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप बाइंग करते भी हैं तो आपको यहाँ तक का टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बुक कर लेना है। और नहीं तो आप ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है ऊपर की साइड में जाने का, और यहीं से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है और यहाँ पे आपको सेकेंड हाफ में एक रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करना है इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की साइड में अगर जाता है तो प्रोजेक्शन बिल्ड करता है तो आप तुरंत यहाँ पुट साइड में जा सकते हैं, और नहीं तो तुरंत ऊपर की साइड में निकल जाता है तो आपको वेट करना है यहाँ तक का मार्केट अगर आता है और वहाँ से वीकनेस दिखाता है तो फिर से आप यहाँ पे पुट साइड में जा सकते हैं। फर्स्ट हाफ में हो सकता है बाइंग आए उसके बाद में फिर से सेलिंग आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा मंडे के सेशन में, ठीक है, मंडे को इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। दोस्तों मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट हाफ में आया उसके बाद में सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो गया था, ठीक है। तो अभी कैसे प्लान करना है, कैसे हमारा टारगेट होना चाहिए, कैसे ट्रेड करना है मंडे को, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेंज बना दिया है मार्केट, अच्छा खासा एक रेंज बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो रेंज है दोस्तों काफ़ी अच्छा रेंज बनाया है, और इस रेंज में दोस्तों मार्केट काफ़ी यहाँ पे टाइम बिताया है और थोड़ा बहुत और टाइम बिता सकता है, और नहीं तो यहाँ से खुलते ही ऊपर की साइड में जा सकता है या नीचे की साइड में जा सकता है, किसी साइड जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, ऊपर अगर जाएगा दोस्तों तो अभी यहाँ पे दोस्तों लगभग यहाँ पे जगह बचा हुआ ऊपर की साइड में, तो लगभग आपको यहाँ पे 500-600 पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में निकलता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग साइड में जाना है ऊपर की साइड में, इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, टाइम बिताता है, निकलने के बाद ऊपर की साइड में निकलता है तो बाइंग साइड आप जा सकते हैं यहाँ पे। और अगर नीचे की साइड में ये निकल जाता है तो आपको पहले यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, जैसे नीचे के साइड में निकल जाता है ऊपर जाता है उसके बाद फिर से निकलता है, प्राइजेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो जाता है, तभी आपको यहाँ पे सेलिंग में जाना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग पे लगाना है और आप टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो गया तो आपको क्या करना है, आप वेट करना है, मार्केट प्रोजेक्शन मिल करके नीचे जाता है तो आपको सेलिंग में जाना है, नहीं तो इसके ऊपर अगर निकल गया तो आपको यहाँ पे बाइंग में जाना है। इस रेंज में दोस्तों जब भी मार्केट जाएगा तो आपको वेट करना है, इसके ऊपर निकलेगा बाइंग करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो सेलिंग करेंगे, इसके बीच में रहेगा तो नो ट्रेड जोन, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों अगर आप नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियो को मिस कर जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है तो बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो एक मोमेंटम दोस्तों ऊपर की साइड में हो सकता है, इसके लिए दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर की साइड में आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।